हैं जो मैंने ड्राई कर ली हैं, अब मैं इन पे कलर करने वाली हूँ। तो चलिए इस पे कलर करते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर दिया है कि आप बिल्कुल भी बोर ना हो, तो मैं इसमें कलर बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ, कहीं पर छूटे ना। देखो हो गया ना एकदम परफेक्ट। अब मैंने दूसरा लीफ लिया है और मैं इसमें ब्लू कलर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कलरफुल पसंद है इसलिए मैं इसमें ब्लू कलर करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। आप अपने चॉइस से कोई सा भी कलर कर सकते हैं, या आप हर किसी में ग्रीन ही कर सकते हैं। तो इसमें ब्लू कलर हो गया। अब मैंने इसको इस लीव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो जो मेरे पास ये थर्ड वन है, मैं इसमें येलो कलर कर रही हूँ। आप अपने चॉइस से कोई भी कलर से कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा रेड सा कलर कर रही हूँ कि ये थोड़ा अच्छा सा लगे। थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, सूखने देते हैं जब तक कि एब्जॉर्ब करता है। वाओ लग रहा है ना, मस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। सेकंड DIY में मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने रेक्टेंगल शेप में काट दिया है, और मेरे पास एक पुराना कैलेंडर पड़ा था जिसको मैं उसके ऊपर कवर करने वाली हूँ। तो मैं इसको कवर करूँगी। मैंने यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ किया इसको पेस्ट करने के लिए। मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से फेविकॉल को लगाया इसको पेस्ट करने के लिए। अब मैंने बहुत ही जेंटल तरीके से इसे कवर कर दिया है। अब मैं इसमें ग्रीन कलर से कुछ ग्रीन लीव्स या पौधे या प्लांट, कुछ भी, मतलब वो कुछ भी समझिए, वो करने वाली हूँ। तो मैंने फॉर्म की हेल्प से इसको बनाया। देखने में तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। यहाँ पर तो हो गया। मैं रेड कलर लेके थोड़ा फ्लावर बना लेती हूँ जिससे ये और भी अच्छा, इसका और भी अच्छा लुक आए। यहाँ पर बना लेती हूँ। हाँ अब ये मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं बढ़ती हूँ। अब मैंने लिया है, इसके बाद मैं लूँगी ब्लू कलर। मैंने ब्लू कलर से आसमान को दिखाने के लिए ब्लू कलर से इसको अच्छे से कलर कर दिया ऊपर। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए इसको थोड़ा सा फैला रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इजी DIY है, इसको बहुत ही आराम से कोई भी बना सकता है। अब मैं सूरज बनाऊंगी। तो सूरज बनाने के लिए मैंने जो कलर का ढक्कन था उसी का यूज़ किया, और उस पर मैंने ऑरेंज कलर से फैला दिया। अब उसको मैं इस पर ऐसे लगा दूंगी और उसको मैं ऑरेंज कलर से इसको सूरज को बना दूंगी अच्छे से। मैंने इसको अच्छे से राउंड शेप दे दी है। हाँ परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा इसमें येलो कलर, थोड़ा इसको अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने इसको लाइट येलो कलर किनारे किनारे से कर दिया। इसको येलो कलर कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसको पूरा येलो कलर से उसके ऊपर स्पीड कर दूँगी। अब ये एकदम परफेक्ट सन लग रहा है ना। अब मैं बर्ड्स बनाऊंगी। मैंने ब्लैक कलर लिया है बर्ड्स, चिड़िया बनाने के लिए। यहाँ पर मैं चिड़िया बना रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इजी DIY है जो कि बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाए हैं। तो आप भी इसको यूज़ कर बना सकते हैं, और ये देखने में इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इतने ज़्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे वो आप ही बताना। मैंने इसकी
बाउंड्री कर दी है ब्राउन कलर से, इसको एक अच्छा लुक देने के लिए या एक वुडन लुक देने के लिए। मैंने इसके लिए स्केल का यूज़ किया है कि कहीं भी कलर बाहर फैले ना। ये मेरा कार्डबोर्ड बन के तैयार है। अब इसके ऊपर मैं जो मेरे वो लीव्स थे मोर पंखी के, उनको इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। येलो वाला यहाँ पर अच्छा लग रहा है बीच में। पेस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा लुक दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरे वाह, मजाक मजाक में 3D सीनरी बनके तैयार हो गई है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए DIY में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।